अरे नाश्ता तो करके जाओ। नहीं मम्मा लेट हो रहा है मुझे, मैं जा रही हूँ। संभाल के जाना बेटी। बाय पापा। वो सोनी कह रही थी कि उसे एक और सब्जेक्ट के लिए एडमिशन लेना है ट्यूशन में। आप तो जानते ही हैं उसका पढ़ाई में कितना मन लगता है। तो उसकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ। उसका मेडिकल कॉलेज का फीस वगैरह कहाँ से आएगा? इस पेंशन से तो घर चलना ही मुश्किल है, उसकी पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा? कब से तो आपको बोल रही हूँ एक कमरा दे दीजिए किराए पे। उससे क्या होगा, कितना मिल जाएगा? अरे कुछ तो होगा, कुछ तो पैसे आएंगे। जो पैसे आएंगे उसकी पढ़ाई के लिए रख देंगे। हाँ वैसे विक्रम से तो बात हुई थी, उसने एक लड़की का बताया भी था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अच्छी नहीं थी। क्या मतलब? वो धंधा वंदा करती है, उसे घर में रखना अच्छी बात नहीं है। अब हमें भी तो जरूरत है ना पैसे की। हम किसी और को कमरा देंगे तो हमें कुछ ही पैसे मिलेंगे, हम उसे दे देंगे तो कुछ ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और कुछ दिनों की तो बात है, एक बार उसकी एडमिशन हो जाए फिर हम उसको बोल देंगे कमरा खाली करने के लिए। तो तुम क्या कहती हो, मैं उससे बात कर लूं? हाँ। अरे आप आ गई, आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा तुम भी आओ। आ जाओ। अजी सुनती हो, आ जाओ। ये है राबिया हमारी नई किराएदार। आप लोग मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आप लोग के लिए नाश्ता बना देती हूँ। थैंक यू माँ। ये कौन है? वो जो खाली कमरा है ना, वो हम लोगों ने किराए पे दे दिया है। क्यों माँ? ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही तो खाली पड़ा था, कुछ पैसे भी तो आ जाएंगे ना बेटा। माँ कहीं आपने ये मेरी पढ़ाई के लिए तो नहीं दिया ना? हाँ बस कुछ ही दिनों के लिए, एक बार तुम्हारा एडमिशन हो जाए बस। अच्छा सुनो, फ्रिज में कुछ मिठाई रखी है, तुम उसको लाके दे दो। मैं नहीं जा रही किसी के पास। आप कौन? जी मुझे राबिया ने बुलाया था। हाँ उसने मुझे बोला था कि आप आने वाले जी। आइए राबिया, आइए राबिया। ओ हाय। हाय कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आओ बैठो ना। हाँ अंकल जी इनके लिए खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे। हाँ जी ओके। रुकिए, आपके पास पैसे हैं तो प्लीज दे दीजिए। हाँ हाँ श्योर। ये लीजिए। तुम बैठो ना। हाय। और बहुत दिन बाद आए। तुम कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ। जी, हाँ। मैं बाजार होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ। ओके बेटा संभाल के जाना।
अरे एक काम है तुमसे। अरे रुको ना, रुको। अरे राम्या मेरी बात तो सुनो। अरे कोई गलत नहीं है। हाँ चक्कर क्या है? ये भी गई, वो भी गए और वो भी चले गए। कुछ तो गड़बड़ है। माँ, माँ ये सब क्या है? कहीं भी जाए, हमें क्या? ये कहीं नहीं जाएगी माँ। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसी हालत में हम उसे नहीं रख सकते। क्यों? क्यों नहीं रख सकते? इसके इस हालत के जिम्मेदार हम ही तो हैं। ना जाने किसका पाप पाल रही है, हम इसे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते माँ? कल तक ये हमारे घर का सहारा बनी हुई थी, क्या इसे आज हमारे घर और घर वालों के सहारे की जरूरत नहीं है? ऐसी हालत में ये कहाँ जाएगी? तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम चलो मेरे साथ। आओ और सर, अब यहाँ कोई नहीं है, आपकी कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ यहाँ से।
यस सर। सौरभ है? सौरभ? कौन सौरभ? सौरभ मेरा फ्रेंड है, आप कौन है? मैं अनीता। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सौरभ से मिलने आया हूँ। सौरभ? मिश्रा अंकल का लड़का सौरभ। अच्छा, वो तो गए यहाँ से 3 महीने पहले। सौरभ के बारे में मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। ओके, थैंक यू। ओके, बाय। यार तू अभी तक रेडी नहीं हुई। हाँ यार, बस तैयार हो रही हूँ, जल्दी हो जाओ। हाँ बस।